हाँ तो भाई फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भाई साहब पता है बहुत दिन हो गए लेकिन यार बिजी थे, बहुत सी चीजें चल रही है, आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। हमको लाइव भी आना है यार कब लाइव है पता नहीं चल रहा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। वैसे मैंने पोस्ट डाली थी कि हम जल्दी लाइव आने वाले, तो आप टाइम बताइए कि किस टाइम पे हम लाइव आए। देखते हैं जल्दी लाइव आएंगे। एमए वंडर का वन है रे भाई सॉन्ग आउट हुआ है भाई, 5 दिन हो गए अभी फाइनली हम करने वाले, देखेंगे। पता है थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन जाने दो यार, लेटपन थे हम लेके आते हैं आपके लिए। प्रोड्यूस बाय एनी वाइब ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहले सॉन्ग देखते और बात करेंगे। लेकिन जितने भी अभी एमयूए के फैन है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमने बहुत से वीडियोस की है, पूरी प्लेलिस्ट है, आगे भी करते रहने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते अभी इस सॉन्ग में हमको क्या देखने को मिलता है। क्योंकि लास्ट हमने किया था हस्बी रब्बी और बीच में रमजान का महीना था, तो एक भी गाना एमयूए का आया नहीं है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला कि इस सॉन्ग में क्या है, है ना। तो एक काम करें, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पहले सॉन्ग देख लें उसके बाद बात करते। तो काउंट डाउन करते, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। समंदर क्या बात है। हैपनिंग लग रहा है एकदम। हमारे जमाने के छोकरे सारे दमारे वहीं पे कैसे मिला मुझे फेम, सारे समारे नहीं है, सारे बच्चे मेरे खून से पर हमारे नहीं है। लव्स मार डाले बाहर से वाइपर, सालों की ग्राइंड साले ये वहीं के वहीं पर, मुझसे बीफ तो फिर भग लो कहीं पर, बच्चे माइक पे हग रहे इनके बदलो डाइपर। डिमांड में हर एक गाना मेरा शंबर है भाई, पुराने नंबर पर कॉल नहीं लगाना, अब भी मेरा नंबर वन है रे भाई। नकली ये बन रहे तो बनने रे भाई, पुराने नंबर पे कॉल नहीं लगाना, अब मेरा नंबर तो वन है रे भाई। करता मैं चीजें जब मन रे भाई, नकली ये बन रहे तो बनने रे भाई, पुराने नंबर पे कॉल नहीं लगाना, अब मेरा नंबर तो वन है। शूट करूं जैसे पास है पिस्टल, नील फटे साफ जितना क्लियर है क्रिस्टल, तू ये फटे बैक ये फैक रख डिस्टेंस, बैक टू बैक इन्हें मेरा दिया है डिस्टेंस। लास्ट 12 फेल हुआ था बिटेंस हुआ में ड्रॉप करने जब से पंच हुआ, क्रिटिकली करा लिरिकली मोड़ा, स्पिट करूं जैसे ब्लड फ्लो जाके दिल छुआ, तेरा क्या रोल करेगा सिफार होल, तू है जैसे कार्लोस पूरा करेगा क्या गोल, इलाका तेरा जहां करूं आके मारूल, भारू खत्म करने आया तेरा जहां रूल, करूं वैसे ना देखूं कितने बजे ना सोचा मैं कभी कमाने का, मेरा 8-13 साल सबकी लगाड़ा ली बात में, जमीन लिया घर लिया पैसा दे भाड़े का, क्योंकि साले भेजे पेरे ना चाह रही रेंट फ्री एंट्री, मिलेगी नहीं स्ट्रांग हूं मैं मेंटली, लिया मैंने जीप क्योंकि जीप मेरी माइक पे तो बड़ी बात नहीं, जाके उठा लूं मैं बेंटली, फ्लो मेरी बागी फुल ढाके लगेगा वासा के, छोड़ा नहीं बाकी किसे हिरोशिमा नागासाकी, अच्छे अमाल कभी किया मैं पाप, जो भी करा दिया बेटा दिया मैं बाप, कमर्शियल लिरिकल हार्डकोर लोफी इनसे नहीं होगा। क्यों जियान है आप, नोबिता वाले जियान। करता मैं चीजें जब मन रे भाई, नकली ये बन रहे तो बनने रे भाई, पुराने नंबर पे कॉल नहीं लगाना, अब मेरा नंबर तो वन रे भाई। करता मैं चीजें जब मन रे भाई, नकली ये बन रहे तो बनने रे भाई, पुराने नंबर पे कॉल नहीं लगाना, अब मेरा नंबर तो वन रे भाई। क्या बात है भाई साहब, यहाँ पे सॉन्ग खत्म भाई। सॉन्ग के बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन उससे पहले जितने भी यार बंटे के फैन है ना भाई, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से ना भाई हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। भाई साहब मतलब ये क्या था, जबरदस्त वाला सॉन्ग, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग मैंने कहा था कि रमजान के टाइम पे उनका वो एक आया था हस्बी रब्बी, एकदम काम पीसफुल वाला, तो वो एक्चुअली सॉन्ग नहीं था यार, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि नाथ थी, नाथ बोलते उसे, तो मुझे पता नहीं था। बट एनीवेज उसके बाद डायरेक्टली अभी ये सॉन्ग आउट हुआ है, मतलब ये गाना ड्रॉप हुआ है 5 दिन पहले। यार टाइम नहीं मिला बिल्कुल, और आपको पता है कि आपके साथ ही मतलब हम ये देखते सुनते हैं, बहुत फास्ट था और मुझे पता नहीं कि ये मतलब किस स्पीड से जा रहा है अभी। वो ऑलरेडी उनके तो फास्ट रहे थे ये सारे ट्रैक, लेकिन ये हद से ज्यादा फास्ट था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि बहुत सी चीजें समझ पा रहे हैं कि बहुत सी चीजें थी, कि बहुत सी चीजें मतलब पता चली उसमें कि हाँ। और बहुत से वर्ड जो है मतलब मिस भी हो जाते हैं सर के ऊपर से चले गए। हाँ। क्योंकि क्या है ना भाई, हम वन स्ट्रोक में सुनते हैं वो हमको वही अच्छा लगता है, हमको गाना एंजॉय करना काफी अच्छा लगता है। तो वो मजा आता है, वो वाइब आना चाहिए ना, मतलब गाना सुनते टाइम वो वाइब आनी चाहिए। बाकी तो ये 10 बार अभी सुनेंगे तो एक एक वर्ड का मीनिंग निकालेंगे कि ये क्या था वो क्या था, लेकिन जितना भी हमको पता चला भाई कि फुल फ्लेज डिस तो मतलब नहीं कह सकते या कह भी सकते पता नहीं है, शॉर्ट्स तो लिए है भाई। हाँ। शॉर्ट्स तो लिए क्योंकि जो बीच में क्लिप डाली ना जियान है, हम वो नोबिता वाला जियान,
वो रेफरेंस मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बादशाह को लेकर है, क्योंकि बादशाह का एक सॉन्ग था और बादशाह को ही कहते हैं वो जियान, जहां तक मुझे पता है भाई, बादशाह के लेके वो रेफरेंस था। और यार वो खतरनाक था, मतलब ठीक है कि वो एक रेफरेंस उसमें है। और दूसरा एक मुझे लगा कि हिरोशिमा नागासाकी वाला भी एक रेफरेंस था, कि जैसे अभी आपको पता है कि कृष्णा का लास्ट ट्रैक आया था जूता जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी ऐसा कुछ था ना, तो ये सॉन्ग था। तो उसके बाद उनका कुछ गाना आया नहीं अभी तक, तो मे बी वो जापान में अभी तो उनका उनका रेफरेंस हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं। बट जो भी था, मतलब जो भी गाने की वाइब थी भाई, एक नंबर थी। और यही है मतलब खासियत बंडाई थी कि कमर्शियल म्यूजिक भी तगड़ा बनाते हैं, हिप हॉप तो है ही, हार्डकोर म्यूजिक भी जबरदस्त रहता है उनका, डिस्क की तो बात ही मत करो, मतलब डिस्क में तो उनका हाथ ही कोई नहीं पकड़ सकता है ये भाई। मैं मतलब थोड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हम दोनों को जितना पता है ना भाई, मतलब जितना हम फॉलो करते हैं ना, बहुत से आर्टिस्ट के हमने भी गाने देखे, बहुत से आर्टिस्ट के हमने सॉन्ग भी किए, लेकिन डिस्क के बारे में अगर बात करेंगे तो भाई डिस्क के बारे में बंटाई का हाथ नहीं कोई पकड़ सकता भाई। हाँ मतलब बाकी हर एक आर्टिस्ट उनके मतलब जगह पे सही है, हर एक की क्वालिटी रहती है, जब हम कहते हैं कि हर एक की एक क्वालिटी रहती है, हर एक का एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है उस टाइप में, लेकिन बंटाई खतरनाक, मतलब जो उन्होंने कंपनी निकाला था उस टाइप का गाना यार, क्या बोलते कंपनी, वो अभी भी गाना है ना पूरा, मतलब जैसे कि मचाएंगे ऐसे तो बहुत से गाने हैं उनके, और इसमें थोड़ी मचाएंगे वाली वाइब थी वही पूरा, मतलब और लग रहा था ना वो थोड़ा सा ट्राइबल वाला म्यूजिक का फील आ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बाद में वो फास्ट होता चला गया और भाई ज्यादा अच्छा लग रहा था। और भाई उनको कहने की जरूरत नहीं कि वो नंबर वन है, क्योंकि है ही वो नंबर वन, एक नंबर, मतलब लिरिक्स जबरदस्त है, म्यूजिक की वाइब तगड़ी थी, बंटाई की तो बात ही क्या करे भाई। उनके सारे गाने उठा के देख लो भाई, हर एक सॉन्ग मतलब उनका अलग रहता है, और हर एक सॉन्ग में उन्होंने कुछ अलग किया है भाई, कुछ ना कुछ मैसेज भी रहता है, और उनकी कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा गैप आया होगा कि उसके बाद मतलब बंडाई का सॉन्ग आया, नहीं तो भाई एक के बाद उनके गाने आते रहते और हम एंजॉय करते रहते। लेकिन एनीवेज भाई, टाइम के बाद उनका गाना आया, लेकिन एक नंबर गाना आया, और यही हमको एक्सपेक्टेड था, जबरदस्त मजा आ गया, और पूरी वाइब थी, मतलब गाने में पूरी वाइब थी तगड़ा। तो देखेंगे अभी आगे और कौन से गाने आते हैं, और यार देखेंगे यार, डेली वीडियो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं पॉसिबल हो रहा है। एनीवेज जैसा भी होता है, एक दो दिन लेट आगे पीछे कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा, लेकिन लेके आएंगे आपके लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इस सॉन्ग में आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी वो भी कमेंट करें, और जितने भी फैन है अभी हमें बंटाई के, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, हमारे व्लॉग चैनल पे जाओ यार, वहाँ पे उज्बेकिस्तान की सीरीज चल रही थी, अभी खत्म हो गई है और नई सीरीज स्टार्ट हुई है तजिकिस्तान की, भाई पहले उज्बेकिस्तान की भी देखिए तो मजा आएगा आपको, और अभी तजिकिस्तान की सीरीज वहाँ पे चालू हुई है, तो देखिए अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए। एग्जैक्टली, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।